आज बात करते हैं हमारे घर के कूलर के बारे में। हमारा जो घर का कूलर होता है चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है। आप नींद में सो रहे हो और अचानक से कूलर बंद हो जाए तो आपको कितना गुस्सा आएगा, किस पर? उस कूलर पर कि ये अचानक से बंद क्यों हो गया। तो आप सबसे पहले क्या करोगे उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि किस चीज़ में प्रॉब्लम हुई है। अगर उसमें मेन वायर में प्रॉब्लम होगी तो दोनों चीज़ बंद हो जाएगी, उसका पंप भी बंद हो जाएगा और मेन जो मोटर है वो भी बंद हो जाएगी। अगर मेन वायर सही है तो दोनों मोटर में से एक तो चालू रहेगा उसका, या तो पंप चालू रहेगा या फिर उसका जो मेन हवा देने वाला जो मोटर है वो चालू रहेगा। तो इसका पता लगाने के लिए हमको इन चीज़ों को चेक करना है कि पंप चल रहा है या मोटर चल रही है। मोटर अगर पंप दोनों में से एक चल रहा है तो आपका जो मेन वायर है वो सही है। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी एक भी नहीं चल रहा है तो समझ लीजिएगा इसमें पावर आना बिल्कुल बंद हो चुका है, यानी कि कूलर में बिल्कुल भी हलचल नहीं हो। तो आपको करना क्या है, उसका जो मेन सप्लाई है, मेन पावर जो लीड जाता है बाहर, मेन पावर का 220 वोल्ट का जो लीड बाहर जाकर हम प्लग में लगाते हैं, उसे चेक ज़रूर करना है। अगर वो प्लग आपके पास कुछ चेक करने का नहीं है तो आप या तो अपना मोबाइल चार्जर जो LED वाला होता है वो लगा कर उसमें देख लीजिएगा। अगर LED चार्जर जल रहा है मोबाइल से, मोबाइल चार्ज हो रहा है मोबाइल चार्जर से, तो आपका जो मेन पावर है, पावर का जो लीड है वो सही है। फिर आपको करना क्या है, आगे जो स्विच लगा है उसको डायरेक्ट कर भी देख सकते हैं आप, किसी भी स्क्रू ड्राइवर से उसको डायरेक्ट कर लीजिएगा और देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं चल रहा है तो आपको करना क्या कि मोटर में हमेशा दो या फिर चार वायर आते हैं। चार वायर वाली जो मोटर होती है उसमें ब्लू और ब्लैक वायर, इन पर दोनों पर सप्लाई डालकर देख लेना है, सप्लाई लगाकर आपको देख लेना है। अगर मोटर सही है तो जो सप्लाई दी है आपने उससे चल जाएगा, अगर मोटर ख़राब है तो सप्लाई देने से कोई मतलब नहीं क्योंकि मोटर नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आज बताया हूँ आपको कि अगर आपका कूलर चलते चलते अचानक से बंद हो जाए तो आप घर पर आप उसे कैसे चेक कर सको और आप समझ सको कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है। तो आप कुछ तो घर पर रिपेयर कर पाओगे, अगर उसका मेन वायर ख़राब हुआ है या और कोई छोटा मोटा उसमें दिक्कत हुआ है तो आप घर पर ही रिपेयर कर पाओगे। तो ये वीडियो दोस्तों मैं रिपेयरिंग करने वालों के लिए नहीं बनाया हूँ, ये वीडियो उनके लिए है जो घर पर रहते हैं, अदरवाइज दूसरा काम करते हैं, रिपेयरिंग से उनका कोई संबंध नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो अगर आपका चलते चलते अचानक से कूलर बंद हो जाए और दोनों में से एक भी नहीं चल रहा है, पंप भी नहीं चल रहा है और मोटर भी नहीं चल रहा है, तो मेन सप्लाई आपको चेक करना है। मेन सप्लाई किस तरह से चेक करना है मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर चार्जर या कोई दूसरा टेबल फ़ैन चलाकर उस वायर से देख लीजिए, अगर वो वायर से अगर वायर सही होगा तो टेबल फ़ैन चल जाएगा, मोबाइल चार्जर आपका चालू हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप चेक कर सकोगे मेन पावर को। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि अचानक कुछ प्रॉब्लम कूलर में अक्सर हो जाती है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।